हेलो गाइस, मेरा नाम है जीतू। आप देख रहे हो जीतू इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मेरे पास है आईटेल T1 न्यू ईयरबड्स। ये न्यू मॉडल है, आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आओ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और कमेंट कर जरूर बताइए आपको ईयरबड्स कैसा लगा। और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम फॉलो करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है। चलो इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. जैसे भी देखा जाए हमारे पास आईटेल ईयरबड्स है, T1 न्यू मॉडल है। हम अनबॉक्सिंग करके दिखा जाए। जैसे ऊपर की तरफ आपको फुल टच कंट्रोल लिखा हुआ रहेगा और 18 आवर्स प्ले टाइम आपको बैटरी बैकअप रहेगा और क्लियर साउंड उसमें रहेगा। और भी पीछे की तरफ काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। जैसे भी देखा जाए तो उसका MRP भी आपको ज़्यादा मिलेगी, 2299 है, इतना है नहीं, आपको 1100-1200 के आसपास मिल जाएगा। और भी हम ओपन करके देख लेते हैं। जैसे देखा था ये आपका ईयरबड्स रहेगा आईटेल का। और भी नीचे के हम देख लेते हैं। एक आपको टाइप सी आपको डाटा केबल्स मिलेगा चार्जिंग के लिए। और भी आपको एक यूजर मैनुअल मिलेगा, ये कैसे यूज़ करना है, इसके क्या क्या फीचर्स है, इसमें आपको सब लिखा हुआ पढ़ के देख सकते हो। जैसे हम इसको साइड में, जैसे फाइनली हम ईयरबड्स देख ले, ईयरबड्स देख रहे थे काफ़ी अच्छा लग रहा है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसे ओप्पो के ईयरबड्स की तरफ लग रहा है, उसके जैसा ही डिज़ाइन मिलती जुलती है और एकदम लो वेट में, ज़्यादा वेट भी नहीं है और ऑल देखा जाए तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे नीचे की तरह आपको टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, ये आपको लाइट इंडिकेटर मिलेगी, यहाँ पे ब्रांड नेम मिल जाएगा। और भी हम ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारा फाइनली ईयरबड्स है। और ईयरबड्स की बात की जाए तो ईयरबड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और एकदम लो वेट में, ज़्यादा वेट नहीं, आपको 3 ग्राम्स वेट है ईयरबड्स का, खाली 3 ग्राम वेट मिलेगा, ज़्यादा वेट है नहीं। और ईयरबड्स की इस तरह से आपको यहाँ पे टच कंट्रोलर मिलेगा और इस तरह से आपको एप्पल की तरह आपको लुक्स आएगा और इधर से आपको अलग लग रहेगा। और नीचे के लिए आपको 2 पोर्ट मिलेगा। सबसे पहले हम इसको स्टिकर हटा लेते हैं। और भी काफ़ी अच्छा ईयरबड्स। और भी बाद में चेक कर लेंगे हमारे कान में कितने कंफर्टेबल रहते हैं कि नहीं रहते, बाद में चेक कर लेंगे। और हम केस में रख लेते हैं। ओवरऑल देखा था ईयरबड्स काफ़ी अच्छा है। और हम इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप केस से बाहर निकालिए। केस से बाहर निकालने के बाद आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आपके फ़ोन मोबाइल में जाइए, मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कीजिए। हमारे मोबाइल में आ गया आईटेल T1 न्यू, इधर क्लिक कीजिए और हमारा ईयरबड्स कनेक्ट हो गया है। और का उसका यूजिंग कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो सिंगल टैप के ऊपर आपको पुश हो जाएगा, वापस सिंगल टैप के ऊपर आपका प्ले हो जाएगा। और आप देखा तो राइट साइड में 1.5 सेकेंड आप प्रेस करके, जैसे 1.5 सेकेंड प्रेस करेंगे तो आपका सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा। हम 1.5 सेकेंड करके देख लेते हैं, ये हमारा सॉन्ग नेक्स्ट हो गया है। वापस आपको प्रोविजन सॉन्ग थे लेफ्ट साइड में, आपको 1.5 सेकंड आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये हमारा लेफ्ट साइड में 1.5 सेकंड आपको प्रोविजन सॉन्ग आ गया। और भी हम कॉल रिसीव के लिए आपको 1 टैप करना पड़ेगा और कॉल कट करने के लिए 1 टैप करेगा कॉलिंग के लिए। और कॉल आपको रिजेक्ट करने का लेगा तो 1 सेकंड आप प्रेस करके रखिए, आपका कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और भी ईयरबड्स में आपको वॉइस असिस्टेंट मिलेगा। वॉइस असिस्टेंट ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 सेकेंड आप प्रेस करके रखिए, आपका वॉइस असिस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 3 सेकेंड प्रेस करके रखेंगे, 1 2 3, ये हमारा वॉइस असिस्टेंट स्टार्ट हो गया। जैसा वॉइस असिस्टेंट जैसा रहेगा। और भी इसमें कोई इश्यू हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको ईयरबड्स को रीसेट करना पड़ता है। रीसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 टैप करना पड़ेगा, एक साथ में 5 बार टैप करना पड़ेगा तो आपका ईयरबड्स रीसेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको फ़ोन में से उसको निकाल देना है और 5 टाइम टैप करना पड़ेगा। हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा ईयरबड रीसेट हो गया, ऑटोमेटिक ऑफ होके ऑन हो जाएगा। इसमें कोई भी इश्यू हो रहा है, एक कनेक्ट हो रहा है, एक कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और बाद में आपको केस में रख देना है, केस में रख के आपको वापस कनेक्ट करना है तो आपका ईयरबड्स एकदम कम्प्लीट ही हो जाएगा। और भी उसमें बैटरी बैकअप की बात की, आपको 4
और आपको बैटरी बैकअप मिलेगा और एडिशनल केस के साथ आपको 18 और मिलेगा। एक बार चार्ज करने पर आपको ईयरबड्स आपको 18 और फुल एडिशनल केस के साथ चलेगा और ईयरबड्स वन टाइम आपको 4 आवर्स के आसपास देगा बैटरी बैकअप। और हम चार्ज कर लेके देख लेते हैं। जैसे चार्ज लगाने के आपको रेड कलर का ऐसा इंडिकेटर आपको दिखाई देगा ब्लिंक होता और फुल होने में आपको रेड कलर स्टॉप हो जाएगा। और ये केस के अंदर आपको 300 mAh आपको बैटरी कैपेसिटी मिलेगी और ये फुल चार्ज होने में आपको 3 से 4 आवर्स टाइम जाएगा। और केस का वेट आपको 29 grams मिलेगा और ईयरबड्स में आपको 3 grams ईयरबड्स रहेगा आपको और ईयरबड्स में आपको 25 mAh बैटरी मिलेगी। अंदर आपको उसको बैटरी बैकअप आपको 4 आवर्स तक रहेगा और एडिशनल केस के साथ 18 आवर्स आपको बैटरी बैकअप रहेगा। ये आपका यूजिन रहेगा और भी ये आपको IPX5 आपको वाटर रेजिस्टेंट मिलेगा और ब्लूटूथ वर्जन V5.1 मिलेगा और ट्रांसमिशन रेंज आपको 10 मीटर तक रहेगी। और भी हम चेक कर लेंगे हमारे कान में कितने कंपेटेबल हो चेक कर लेते हैं और साउंड कैसा है इसका। और भी ईयरबड्स हम चेक कर ले आपके कान में कितने कंपेटेबल रहेगा मैं आपको इसको बता देता हूँ। फिटिंग का कोई इश्यू हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप देख सकते हो। जैसे भी देखा है तो आपको फिटिंग का कोई इश्यू नहीं रहेगा और एकदम कंप्लीट फिटिंग है और गिरने का भी कोई चांस नहीं है। और भी ईयरबड्स में आपको साउंड कैसा मिलेगा वो भी मैं सुन के आपको बता देता हूँ, तो भी आपको भी मालूम पड़ेगा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसे देखा था ईयरबड्स में इतना कोई खास साउंड है नहीं क्योंकि लो प्राइस में है, उसके लिए इतना साउंड क्लियर है नहीं। आपको देखा तो मैं साउंड के बारे में उसको 5 में से आपको इसको 3 नंबर दूंगा क्योंकि मेरे को तो इतना मज़ा नहीं आया साउंड का। एवरेज साउंड है, एकदम क्लियर साउंड है, ज़्यादा बेज वगैरह इसमें नहीं है। आप जैसे देखा जाता ज़्यादा बेज ज़्यादा बास वगैरह इतना कुछ है नहीं, आपको एकदम मिडल में रहेगा। और साउंड की बात की तो इतना ही है साउंड। और आपको अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा उधर से आप बाय कर सकते हो। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो भी लाइक करें।